किया जा रहा है जी। और रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। बजरंग दल को लेकर बीजेपी नेता बोले हैं, सरकार पे दम है तो बजरंग दल को बैन करें। ये बड़ा बयान ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिया है। बजरंग दल पर बड़ा नया बयान जो है ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए। इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये वादा किया था और उनको भी मालूम है कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ी संख्या है जो संख्या बजरंगबली को मानती है, जो संख्या हिंदू मेथोडोलॉजी को मानती है, और अगर बजरंग दल को बैन करते हैं तो आने वाले समय पर जो शांत कर्नाटक है उस कर्नाटक को अशांति करने का अगर कोई निर्णय करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी और उसको उसको भुगतना पड़ेगा। चुनावी साल है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्रभाव देखते हैं क्या इसका? छत्तीसगढ़ में तो मैंने भूपेश बघेल जी को कहा है कि आप में दम है तो बैन करके बताओ, चुनाव में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर है, ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान आया, दम है तो छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करें। ब्रजमोहन के बयान पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल उकसाने वाली बात कर रहे हैं, जहां बैन करने की जरूरत है वहां कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी जरूरत नहीं है। बजरंग बली और बजरंग दल अलग अलग है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, उससे पहले क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है सुनिए। बजरंग बली अलग है और बजरंग दल अलग है, और ये इनके अनुसांगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद के। बैन करने की जरूरत जहां होगी वहां वो कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। तो हमको न धमकी देने की बात है न चुनौती देने की बात है, तो जबरदस्ती उकसा। तो बजरंग दल को लेकर फिर से सियासत हो रही है। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया, कहा बैन करके दिखाएं, अगर दम है तो छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करें। ब्रजमोहन के बयान पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, उन्होंने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल उकसाने वाली बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी जरूरत नहीं है, और बजरंग बली और बजरंग दल अलग अलग है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बजरंग दल को लेकर सियासत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर से कहा है कि अगर दम है तो छत्तीसगढ़ में बैन करके दिखाएं बजरंग दल को। चुनाव के समय में जब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो कर्नाटक में बजरंग दल बैन किया जाएगा, उसके बाद लगातार सियासत शुरू रही, और उसके बाद जो है बीजेपी ने एक एजेंडा भी बना लिया था चुनाव में कि बजरंग दल का अपमान करना बजरंग बली का अपमान है। हालांकि इस एजेंडे का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया और पूरे बहुमत के साथ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, लेकिन इस जीत के बाद अब नज़र इस बात पर है कि कर्नाटक में जो है वो घोषणा पत्र में कब जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, वहां पर बजरंग दल पर कब जो है वो बैन लगाया जाता है, और इसी को लेकर यहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल को पूछा गया था। तो ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना था कि वहां अगर बैन लगाया जाता है तो वहां पर जो शांति का वातावरण है चुनाव के बाद में वो वहां पर जो है वो शांति एक तरह से कहें कि अशांति में बदल जाएगी, इतना आसान नहीं है बजरंग दल पर बैन लगाना कर्नाटका में। लेकिन उन्होंने उसके साथ ही सिमिलरली यहां पर भी चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में जो है वो यहां पर बजरंग दल में बैन कर दिखा। इसी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां पर बजरंग दल जो है वो चुनौती दे रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को खराब करने वाला है, तो वहां पर बैन लगाने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई चुनौती नहीं है बजरंग दल, और यही वजह है कि अभी जो है वो बैन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बारे में सोचा जाएगा। तो चुनाव तो हो गए हैं कर्नाटक के, और अभी भी जो बजरंग दल है वो कहीं ना कहीं वो बयानों में आ जाता है, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले चार महीनों में करीबन जो है वो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में जरूर यहाँ पर भी बीजेपी कोशिश करेगी कि वो एक बजरंग दल के नाम पर जो है वो किसी तरह का कार्ड खेले। हालांकि कर्नाटका में ये जो कार्ड है वो ठीक। बहुत शुक्रिया ममता। रायपुर से बड़ी खबर है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर सीएम बोले हैं राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए उद्घाटन। पुराना संसद भवन ब्रिटिश काल में बना, इंदिरा राजीव गांधी कैसे कर सकते
के उद्घाटन पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल, राष्ट्रपति के हाथों हो संसद भवन का उद्घाटन। बना भाई पहले हुआ था तब की बात, संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये ये दूसरी बार बन रही, पहले जो बना था अब उसमें छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है, नया बनाया गया है, इसलिए विपक्षी जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए। झीरम घटना पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, कल जा रहा हूं झीरम श्रद्धांजलि देने, झीरम हमारे लिए भावनात्मक मामला है, पीड़ित परिवार की न्याय नहीं मिल पाया इस बात का हमें बहुत दुख है, न्याय उस परिवार को मिलना चाहिए, दिवंगत आत्मा को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक न्याय नहीं मिला है, इस बात का अफसोस हमें है, बहुत दुख है और ये हमारे लिए भावनात्मक मामला है कि न्याय उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, न्याय दिवंगत आत्माओं को मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है, इस बात का दुख। झीरम कांड पर सियासत जारी है, झीरम कांड की 10वीं बरसी है, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है, समिति की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई, विधानसभा के पटल पर रखनी थी रिपोर्ट, पटेल ने यह बयान दिया है। माननीय पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, उसकी रिपोर्ट आ गई क्या? अगर उसकी रिपोर्ट आई तो विधानसभा के पटल पर रखना था उनको, उनको सार्वजनिक करना चाहिए। और रही बात झीरम की, बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, हम तो झीरम के मामले में मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जिस समय झीरम घाटी में माओवादी इस घटना को अंजाम दे रहे थे उस समय कौन मोटरसाइकिल स्टार्ट मोटरसाइकिल में था और कौन वर्तमान कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जो शायद मंत्री भी है वो उस मोटरसाइकिल में कैसे भागा? इन सारी बातों को क्या सार्वजनिक करेंगे मुख्यमंत्री जी? अंबिकापुर से बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम अब खत्म हुआ है, बीजेपी के नगर मंडल ने ये चक्का जाम किया था, पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है जुलाई तक सड़क का काम पूरा करने का आश्वासन दिया है, 4 किलोमीटर की सड़क निर्माण बाकी है, अंबिकापुर से पत्थलगांव तक सड़क निर्माण 6 साल बाद भी अधूरा है। दुर्ग से बड़ी खबर है, निगम के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला है, मटका फोड़कर प्रदर्शन किया, जल संकट को लेकर मोर्चा खोला है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, धरना प्रदर्शन देखने को मिला, नगर निगम का घेराव किया, गर्मी के चलते कई वार्डों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने एक्शन लिया है, विनोचा कॉलोनी में निगम का बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की, सरकारी जमीन पर गार्डन बना रखा था, बाउंड्री वॉल बना रखी थी, नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जा हटाया है, अवैध निर्माण पर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरकारी जमीन पर गार्डन और बाउंड्री वॉल बना रखा था, नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जा हटाया है। जगदलपुर से बड़ी खबर है, के रेल लाइन पर